हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। आप भी उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका फ्रेंच टोस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ना कि घर में आपको सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। और ये बच्चों की तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश होती है। आप ब्रेकफास्ट में भी इसे बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का आसान तरीका क्या है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन में हमें दो अंडे फोड़कर डालना है। मैंने रूम टेम्परेचर के ही दो अंडे लिया है, नॉर्मल अंडे। अंडे डालने के बाद यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून के करीब दालचीनी पाउडर डाला है, 1/2 कप दूध डालना है। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पाउडर शुगर लिया है। मैंने बस शक्कर को पीसकर उसे 2 टेबलस्पून डाला है। यहाँ पर हमने 2 ड्रॉप के करीब वेनिला एसेंस डाला है। बस अभी बहुत अच्छे से फेंट लेंगे हम अंडों को और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और दालचीनी का जो हमने पाउडर डाला था उसकी गाँठी बनने नहीं देंगे, बिल्कुल भी गाँठी नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको नमक जितना चाहिए। नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हो गया। अब हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमें 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल डालना है और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर अमूल बटर का इस्तेमाल किया है। दोनों को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, बस बटर जलना नहीं चाहिए। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, स्लो नहीं रखना है। तो देखिए हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद जो हमने एग का बैटर बना के रखा था, अंडों का बैटर, उसमें हम इस तरीके से सिर्फ एक ही बार पलटकर ब्रेड को अच्छे से अंडों के बैटर में कोट कर लेंगे और इस तरीके से पैन में रख देंगे। यहाँ पर हमें अंडों के बैटर के अंदर ब्रेड को बार बार पलटी नहीं करना है, नहीं तो बैटर के अंदर ही ब्रेड टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 मिनट तक अच्छे से पहले सेक लिया है ब्रेड को। जब उस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर से पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से जितना हमें क्रिस्पी चाहिए और जितना गोल्डन कलर चाहिए उतना हम ब्रेड को पलट कर सेक लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम ब्रेड के स्लाइस को निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम दूसरे स्लाइसेस को भी अंडे में पहले कोट करेंगे, सिर्फ एक ही बार पलटते हुए, फिर बटर के अंदर हम ब्रेड के स्लाइस को डालेंगे। इस तरीके से जब 1 मिनट हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तब हम पैन के अंदर उसे पलट देंगे। इस तरीके से हम सारे फ्रेंच टोस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे फ्रेंच टोस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं सारे फ्रेंच टोस्ट। और इसके ऊपर हमने हनी डाला है यानी शहद, और थोड़ा सा पाउडर शुगर, जो हमारा पाउडर शुगर है उसी को थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा पाउडर शुगर लेके बहुत अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। अब हमारे फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी है। ये एकदम परफेक्ट फ्रेंच टोस्ट है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, घर में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले फ्रेंच टोस्ट है। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हमारे बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार है। आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप और जो क्वांटिटी हमने बताई है उसी क्वांटिटी के अंदर आप फ्रेंच टोस्ट बनाना, तो आपके फ्रेंच टोस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूले, बेल आइकन को भी दबाए।